आज के इस व्लॉग में मैं रांची से 44 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल को फील करने जा रहा हूँ, जो निकलती है एक घाटी से, जिसको आप जानते होंगे एस सिकिदरी घाटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज योर होस्ट हर्ष, आपका स्वागत है इस दूसरे व्लॉग में। तो आज हम लोग जाने वाले हैं सिकिदरी घाटी। एंड वेल, आप सोच रहे हो कि केवल दो बंदे जा रहे हैं, हाँ मैं पिलियन के साथ हूँ एंड बाइक ऑब्वियसली नीत की है, तो हम दोनों हैं बाइक में, लेकिन अपने साथ और भी लोग जा रहे हैं, तो वो बाकी लोग जो हैं बाहर कार में रुके हुए हैं। तो वैसे इनिशियली अपना प्लान था ना कि सब कार में जाएंगे, लेकिन फिर कार में जगह नहीं होने लगा, तो फिर हम लोग बाइक में चले। तो लोग वेट कर रहा है, कोयला लेना है, बाकी सारा सामान कार में लोड हो चुका है, बस कोयला खरीद के कार में लोड करना है बस। तो उसको पहले लेते हैं फिर निकलते हैं। एंड मेरा बैग जो है रेनकोट वाला, वो मेरे फ्रेंड के पास है कार में ही, तो उसे भी ले लेंगे। सीधे हम लोग कोयला लेते हैं और मिलते हैं और टाउन से बाहर। भैया खुला में देते हैं, खुला में देते हैं कोयला। 5 किलो चाहिए था, कैसे किलो है? 16 दे दीजिए, 5 किलो। यार अपना कोयला हो चुका है 5 किलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तरफ गंदा नहीं है, वैसे ऊपर में बस देखना। लोग कोयला वाला लेके चले हैं अब अपने कार की ओर, जिसमें अपना सारा सामान डलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कोयला भी उसी में जाएगा, क्योंकि बाइक में तो ले नहीं सकते यार, फिर इनको बैग भी लेना है। ये सब काम करते हैं फटाक से, वो लोग चिकन कटवा रहा है। तो यार ये देखो अपना बैग, जिसमें रेनकोट वगैरह ये मिल चुका है, फ्यूलिंग हो गया, गाड़ी से मिल लिए, तो अपना ड्राइवर उज्जवल भाई एंड भारी पब्लिक लोग है लोग टोटल में 9 कोई हैं। हाँ मज़ा आने वाला, मैं और नीत चल रहे हैं अब उसकी बाइक में। या, या, या। माफ़ी नहीं चलेगा, 500 रुपया। थैंक यू, चलो मेरा वो, चलो चलो हम लोग अलग पार्टी करेंगे। दो दो, देखो भाई बहुत पैसा मिला, पैसा ही पैसा लो लो, ये इसका पेट्रोल का है ना देखो भाई, ये चीटिंग है भाई, चीटिंग है, चीटिंग करता है तो ठीक है यार, एंजॉय करते रहो, और अगर आप इसमें नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। अरे अरे भाई हम लोग तो यार अच्छे रास्ते में आ चुके हैं, इरवा, हम लोग हैं अभी इरवा में, और इरवा में ये रोड्स जो है ना बहुत मज़ा आता है, देख रहे हो बीच में ग्रीन ग्रीन पौधे लगे हुए हैं, रास्ता अच्छा है, मतलब माहौल साफ सुथरा है, और क्या चाहिए, यही तो है भाई राइड के मज़े। आइश मस्त लग रहा है, हवा से जो लहरा रहा है ना यार, भाई वाह यार, मज़ा आ गया देख के, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया। ओके बाबा पागल। आखिरकार हम लोग अपना डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, मतलब गाड़ी पार्किंग हो चुकी है, आगे गाड़ी नहीं जाती नीचे साइड में, तो वहां पर हम लोग पैदल जाएंगे, बाकी फ्रेंड लोग को पास जाके उतार दिए थे, बाकी पार्किंग के लिए हम लोग को यहाँ आना पड़ा। अरे अरे, तो अभी हम लोग अभी मैं और बनी यहाँ पर रुके हुए हैं, गाड़ी वाड़ी पार्क करके हम लोग चलेंगे उनके पास,
तो यार ये लोकेशन ना इतना सही लोकेशन है, मैं तो बोलूँगा यार रिकमेंडेड है भाई, आओ एकदम पक्का से आओ एकदम, जाके आके देखो यार। और अभी का जो मौसम यहाँ पर किया हुआ है ना, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। तो फटाक फटाक से चलते हैं आगे, खाना वाना बनाना है, खाना है एंड एंजॉय करना है, साथ साथ में आप लोग भी एंजॉय करो, और एंजॉय कर रहे हो अब तक तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। ये देखो ये छोटा सा डैम है यहाँ पर, इतना सही लग रहा है। वहाँ पर देखो आप वॉल देख रहे हो ना, आगे आप देखने वाले हो आगे, अभी इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना आपको, मतलब वादियों का असली मज़ा ना आप ये इसमें लोगे। अब आखिरकार नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, और देखो इतना ज़्यादा जंगल के बीच में है ना, और हम लोग सोच रहे थे यहाँ बाइक उतारेंगे भाई, हालत ख़राब हो जाता, मतलब ऊपर लेते लेते ना जो हालत ख़राब होती ना। और यहाँ पर अपना टेंट लगता हुआ ये देखो लग रहा है भाई, लग रहा है टेंट लग रहा है, इतना बना चुका है, और इनको ध्यान नहीं देते हुए हम लोग आगे चलेंगे। देख रहा है ये देखो, ये देखो भाई ये है मज़ा, देख सकते हो कितना सही लग रहा है यार। देखो इधर एक छोटा सा ये है और इधर ये है, इसका लुक यार अमेजिंग, मतलब अभी मज़ा आ रहा है। यस इसकी ज़रूरत थी भाई, बहुत ज़रूरत थी। ये देखो अपना अंडा बॉयल हो रहा है, यहाँ पर अंडा बॉयल कर रहे हैं, यहाँ बन है, ये अपना नाश्ता का सीन है, चाय भी बनेगा, केटली रखा हुआ है, स्पीकर रखा हुआ है मनोरंजन के लिए, प्लेट आ गया, और चिकन अपना इस साइड में रखे हुए प्लास्टिक में, मज़ा आ जाएगा भाई। जोर से चलेगा, हाँ गया भाई, तो चालू है ये सब तो, बहुत ही मजा आएगा, इतने सारे लोग हैं। देखो दीपक भाई, अखिलेश भाई, बन्नी, अनुज, लकी, पीछे में अभिषेक है वहाँ पर, और ये अपना नीत भाई। तो इतना सारा अपना सेटअप है, देख लो पूरा मस्त फ्रेंड, था बन का लो मजे तो है, बहुत मजा आ रहा है, पूरी पब्लिक यार। मैं छील रहा हूँ लहसुन, प्याज हो चुका है, लहसुन ये एक छीलूंगा कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई अपना कोयला वाला चूल्हा का प्लान कैंसिल हो गया, इतनी कोशिश के बाद भी नहीं चला, एंड अपना इधर चिकन है, प्याज भुना रहा है, वो प्याज नहीं मीट डल गया भाई, तो ये सब भुन रहा है। तो अपन अपना ना यही एक चूल्हा काम का है यार, ये तो कोई काम का नहीं है। एंड देख लो अपना पार्टी लोग सब हैं, एंड GoPro ना यार एकदम काम नहीं कर रहा है, उसका बैटरी पूरा डेड हो गया है, मतलब जो एक्स्ट्रा बैटरी है ना वो अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अब मोबाइल से करना पड़ेगा। एंड देख लो चिकन डल रहा है, यस एंड यहाँ अंडा बॉयल होके रखा हुआ है, खाना खा सकते हैं, इतना सारा कोयला ना ये रखा जाएगा। इस सब के बाद हम बढ़ते हैं वाटरफॉल की ओर, लकड़ी सबको देख के आना है, पैर वैर में गड़ सकता है। देखिए ये जो रास्ता है ना, हाँ हाँ बहुत ही मुश्किल है, हाँ मुश्किल तो है, कमजोर दिल वाले और कमजोर पैर वाले ना आए। रास्ता भी देख रहे हैं गाइस, आ जाओ जाओ हाथ दे हाथ दे, कम ऑन कम ऑन, अरे इधर गड्ढा है, अरे आगे बढ़ाओ, लाओ फोन लाओ, आइए आइए, कम ऑन कम ऑन, तो हम लोग कैंप ना उस जगह पे, येलो येलो आपको थोड़ा दिख रहा है वहाँ पर है हम लोग, तो वहाँ से यहाँ तक भाई देख सकते हो ऊपर से लेकर पूरा कितना तगड़ा लग रहा है भाई।
एंजॉय करने के बाद हम जाते हैं वापस, वो भी मजे से। यार फाइनली हम लोग अपने गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। तो ठीक है यार, आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही रहेगा, कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ, मेरा GoPro का बैटरी डाउन हो गया, इसे मोबाइल से करना पड़ा बाकी। तो ठीक है यार, कैसा लगा हो जरूर बताना, अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।